फेसबुक के सभी साथियों को सत श्री अकाल, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने कल आपको वादा किया था कि मैं 2 बजे लाइव रहूँगा। मैं लाइव नहीं आ सका क्योंकि उसके 2 कारण थे। एक तो लाइट नहीं थी, ये काफ़ी दिनों से हो रहा है, काफ़ी कट लग रहे हैं, उस वजह से मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था। दूसरा कारण ये था कि जो वीडियो में एडिटिंग आप देखेंगे आगे, जो फोटोग्राफ वीडियो वगैरह देखेंगे, वो लाइव में पॉसिबल नहीं थी, इसलिए मैं अपनी वीडियो को ही सीधे सीधे अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, फेसबुक और यूट्यूब अभी काफ़ी सख्त है, मतलब कि आप फेसबुक पर कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे कोई सामाजिक पृष्ठभूमि आहत होती है, या आप फेसबुक के ऊपर किसी अन्य के कंटेंट को नहीं डाल सकते जिससे फेसबुक के नियम ब्रेक होते हैं। तो उसके लिए ये है कि सबसे बढ़िया तरीका, आप बात भी कह जाएं और किसी का कंटेंट भी कॉपी ना हो, ताकि फेसबुक का, सोशल मीडिया का जो नियम है वो ब्रेक ना हो। तो आज जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, वो 10वां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तलवाड़ा ब्लॉक से संबंधित है। और फिलहाल वर्तमान में सुबह विधानसभा क्षेत्र के ऊपर माननीय श्री करमवीर सिंह घुम्मन जी का, विधायक जी का मालिकाना हक है। तो मैं सीधे सीधे इस वीडियो को माननीय विधायक जी को टैग कर रहा हूं, आप वीडियो देखिए। विधायक जी, ये जो वीडियो में आप तारों की घेराबंदी देख रहे हैं, ये कोई बलूचिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ये कोई पाकिस्तान या इंडिया का बॉर्डर नहीं है, ये तलवाड़ा तहसील कॉम्प्लेक्स के सामने जो आम जनता के लिए जगह थी, उस जगह पर आपकी सरकार ने, आपने, आपके लोगों ने ये घेराबंदी की हुई है, ताकि कंडी के गरीब लोगों का स्वागत किया जा सके। विधायक जी, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ, इतनी सरकारें नहीं, और आपके मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी हर बार ये कहते हैं कि पिछली सरकारें कहती थी कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, हमारा खजाना भरा हुआ है, हम क्यों कहें। तो अगर खजाना भरा हुआ है तो आम जनता के ऊपर ये जजिया कर क्यों? आप अगर 2 रुपए की फोटोस्टेट के लिए तहसील में जाते हैं तो उससे पहले आपको 20 रुपए या फिर 50 रुपए पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, कई बार भीड़ काफी होती है, कई बार सुविधा सेंटर में टोकन नहीं मिलता, कई बार सर्वर डाउन होता है, उनको छोटे छोटे काम के लिए 2 या 3 3 4 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कोई बेडिंग से, कोई पल्ली से, कोई पल्हाड़ से, कोई दतारपुर, कमाई देवी, दूर दूर से लोग में आते हैं। किसी ने फर्द निकालनी है, 20 रुपए की फर्द है, उसके लिए आपको 50 रुपए पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। ये अभी नया बदलाव विधायक जी आप लेकर के आए हैं। इसके अंदर आप देख रहे होंगे, सामने पीर बाबा जी का मंदिर है और सामने बस स्टैंड के साथ भी मंदिर है, वहाँ भोले शंकर की प्रतीक की मूर्ति वगैरह लगी हुई है। तो सामने शनिदेव का भी मंदिर है, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं, अपनी मुराद लेके आते हैं, साल में कई बार लोग लंगर लगाते हैं। अगर आपको मत्था टेकने आना है तो उसके लिए आपको पहले पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। ये एक नया बदलाव आया, साल में एक बार जो रामलीला कमेटी के लोग हैं, जो सेवादार हैं, वो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो यहाँ पर रामलीला का आयोजन करते हैं। अब आगे आने वाले टाइम में नवरात्रि में रामलीला यहाँ होगी, उसके लिए जो रामलीला के आयोजन होगा उसमें जो रामलीला के दर्शक दीर्घा में लोग होंगे, उनके वाहनों पर भी टैक्स लगेगा, स्कूटर पर टैक्स लगेगा, कार पर टैक्स लगेगा।
तो विधायक जी ये आप एक नया बदलाव लेकर के आए, ऐसा विधायक जी इतने सालों से पहले कभी नहीं हुआ, चाहे सरकार अकाली दल की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की अलायंस के साथ रही हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंडी के लोगों के ऊपर जजिया कर लगे। आप गूगल उठाइए, आप एरिया के इस हलके के प्रतिनिधि हैं विधायक जी, आप जो कंडी का जो तलवाड़ा की जो बेल्ट है, जो पहाड़ की जो बेल्ट है, उसका गरीबी दर 34.87% जो बिहार की गरीबी दर से भी ज्यादा है। काम धंधा नहीं है लोगों के पास, रोजगार खत्म हो गए, कुछ एक 10 घरों में से एक या दो घरों के लोग कहीं फौज वगैरह में हैं, अदरवाइज लोग अपना मेहनत मजदूरी करके, खेती नहीं होती, मेहनत मजदूरी करके ही अपना घर का पालन पोषण कर दें। तो विधायक जी उसके बाद आपने ये नया बदलाव लाकर उनको निचोड़ने का नया बंदोबस्त, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था 1% = 1 vote, 1% = 1 vote, 1 vote = 1 value, इसी को कहते थे संवैधानिक ताकत और जमहूरियत। तो विधायक जी संवैधानिक ताकत कहां रही अब कंडी के लोगों के पास? आपने पिछले 1.5 साल में ये जजिया कर लगा करके गरीब लोगों को, कंडी के गरीब लोगों को और गर्त में धकेलने का पूरा प्लान तैयार किया। इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ आप हैं, क्योंकि निजी तौर पर मैं अगर आपकी बात करूं तो मैं आम नागरिक के तौर पर आपको 2 बार मिला हूं, तो निजी तौर पर अगर मैं आपकी बात करूं तो आप एक बेहतरीन इंसान हैं, लेकिन विधायक जी जो आपका पॉलिटिकल स्टाइल है वो अब दबाव में है। मतलब आपने सीधे सीधे, इससे पहले आप अन्य सरकारों पर, अन्य विधायकों पर आरोप लगाते रहे कि ये बिना कोई भी डिसीजन होगा ये बिना सरकार के की शय के बिना, बिना विधायक की शय के बिना ये नहीं हो सकता, तो वही बात अब आप पर लागू होती है विधायक जी। ये जो काम हुआ है यहाँ पर वो बिना आपकी सहमति के, बिना आपकी सह के वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। मतलब अगर हमें 2 रुपए की फोटोस्टेट करानी है उससे पहले हम 20 रुपए देंगे। खुद मेरे साथ हुआ विधायक, मैं बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट को एक पंजाबी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सुविधा सेंटर गया, मैंने 50 रुपए पार्किंग के दिए, अंदर गया, अंदर जो तय फीस थी वो दी, वो सरकार ने जो तय करके सभी देते हैं, मैंने भी दी। उसके बाद वापस आया, 1 हफ्ते बाद मैसेज आया कि आ गया है, जब दोबारा गया फिर मैंने पार्किंग दिया, और जब जो सर्टिफिकेट आया उसमें मेल की जगह कंप्यूटर ने फीमेल लिख दी, उसमें किसी पर्सन की गलती नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, हो गई। फिर मैंने उसको दोबारा रीअप्लाई किया, फिर मैंने पार्किंग फीस दी, फिर अंदर फीस दी। उसके बाद जब दोबारा फिर मैं चौथी बार गया फिर मैंने विधायक जी पार्किंग फीस दी। और भ्रष्टाचार मैंने कल लिखा था, भ्रष्टाचार मैं इसलिए कह रहा हूं कि विधायक जी अगर आपका हेलमेट के बिना चालान हो गया, किसी भी स्टेट की पुलिस ने आपका हेलमेट का चालान कर दिया है, तो वो पुलिस, उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस उस डेट तक आपका दोबारा हेलमेट का चालान नहीं कर सकती, क्योंकि आप चालान पे कर चुके हैं और चालान स्लिप आपके पास है। जब मैं वहां पर गया तो पार्किंग शुल्क मैंने दिया, पार्किंग शुल्क देने के बाद जब मैं वापस लौटा तो जो लोग वहां पर हैं उन्होंने पर्ची मुझसे वापस ले ली, और जब मैंने उनसे पूछा कि पर्ची का आप क्या करोगे, उन्होंने बोला कि ठेकेदार हमसे पर्ची वापस मांगते। अब ये दोनों बस स्टैंड के ऊपर और तहसील कॉम्प्लेक्स के सामने जो साइकिल पार्किंग का नाम दिया हुआ है आपने, आपकी सरकार ने, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक ही पर्सन के एक ही आदमी को दिए हुए। अब वो ठेकेदार है या उन्होंने और लोगों को आगे ठेका कन्वर्ट किया हुआ है, नियम नंबर 6 में लिखा हुआ है कि इस ठेके का जिम्मेदारी मेरी है और इसके अलावा मैं आगे ठेका नहीं दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो रसीद है, इसमें नियम नंबर 6 में लिखा हुआ है
कि आगे ठेका नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि वो ठेकेदार यहाँ पर कंटिन्यू उपस्थित नहीं होते, उन्होंने आगे किसी को, आगे जो ठेका है वो किसी को दिए हुए हैं, तीन चार लोगों, और वो आपकी पार्टी के ही लोग। तो विधायक जी, न्याय कहाँ हुआ आप बताइए? आपने इस जो टेंडर खुला उसकी खुली बोली का मार्च में, आपने मार्च के महीने में शायद विज्ञप्ति आपकी सरकार के द्वारा दी गई, प्रशासन के द्वारा, उसके बाद जिस दिन बोली खुली उस दिन आपकी आपने बकायदा, आपकी सरकार ने, लोगों ने, जो जिम्मेवार अधिकारी थे उन्होंने बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई, उसमें प्रेस के, मीडिया के कई सज्जन बैठे हुए। उसके बाद जो उसकी तय सीमा थी, उसके जो मानक थे, उस हिसाब से उनको, उनका एग्रीमेंट फिल हुआ, लेकिन ये इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप पर्ची कटने के बाद आप पर्ची को वापस लेंगे। मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं, पर्ची का हेर फेर क्या है विधायक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब एक बार पर्ची कट गई, उस पर्ची पर पे करने वाले का हक है, ना कि सरकार का। अगर पर्सन दोबारा गया, वो कहते हैं मैंने पूछा उनको, आप वीडियो देखी नहीं, पर्ची क्या करनी, वो देखते कटी दा नंबर पे आ। हां जी, सिर्फ पर्ची ना तो की करना असली भाई लाग पानी नहीं, पर्ची दा नुकसान की है दसो मेनू, मैं तनु 50 रुपए पे कीते वीरे। हां जी, मैं तोडी रिस्पेक्ट करदा है ना, सुनो मेरी गल, 5 बजे तक दा टाइम है, पर्ची मैं तनु देती, इन केस मेनू दोबारा ओदा मैं आना नहीं, इन केस मेनू दोबारा आना पे, बट उस पर्ची दा तुहानू की यूज है? फिलहाल तुसी साडे कोल चले गए, साडी जिम्मेवारी फिलहाल खत्म है, तुसी दूजी बार आने हो, ठीक है, अहीं जिद्दा मान लो आ नंबर पाया होया, तुसी आए, अहीं नंबर देख लेना पहला, उही गड्डी है, अहीं उही पर्ची इत्थे फोल्ड कर लैणी, मैं समझ गया, किते भी नहीं हुंदा वीरे, पार्किंग च किते भी नहीं हुंदा कि पर्ची इक वारी कटोई होए बाद च तुसी मुड़ो, चलान हुंदा, हेलमेट ना होवे चलान हुंदा, पुलिस वाले 24 घंटे तक उस स्टेट दी पुलिस चलान दोबारा नहीं कर सकती, समझदे इस गल नू? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं एक गल करदा, चल तो मैं तुहाडी मजबूरी समझदा, तुहानू तुसी भी जिथे काम करदे हो जिहदे अंडर उहनां दा ऑर्डर होणा है ना, आंदे ना भाई अगले, साडू हर इक पर्ची दा कल्ली कल्ली पर्ची गिणदे, ओह नाल पुछदे आ पर्ची, नहीं पर्ची दी कॉपी तुहाडे कोल होणी है, ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਫੜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 3600 ਸਵਾਲ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ, ਦਸੂਆ ਕਿ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੰਥਨ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਕਾਫੀ ਆਪਸੀ ਮੰਥਨ ਕੇ ਬਾਅਦ बदलाव लाने की कोशिश की, गलती उनकी नहीं है, कंडी की जनता बहुत भोली भाली है, उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया, और जो ये घटनाक्रम हुआ है, जो मैंने वीडियो में बोला है, इस वीडियो को मैंने आपके जो वर्कर थे जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की, गांव के जो वर्कर थे उनसे बात की, वो बेचारे चुप हो गए, उन लोगों से बात की जिन्होंने आपके लिए अपना पेट्रोल फूंक करके आपकी पार्टी का प्रचार किया, आपका प्रचार किया, अब तो आपके साथ नए नए बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए, अब तो बड़े बड़े लोग आ गए, लेकिन वो आपका जो वर्कर है वो इस चीज को समझता है, वो वर्कर आपकी कार्य प्रणाली से टूटा हुआ है, पल्ली में, दतारपुर में, पल्हाड़ में, बेडिंग में, बाड़ी में, बलाम में, सुंधानी में, भवनौर में, कई कई गांव का आपका वर्कर है जिन्होंने ईमानदारी से आप अपना पेट्रोल फूंक करके आपका प्रचार किया, ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए उन्होंने अपना फर्ज निभाया, सिर्फ आप पर भरोसा जता करके लोगों को बोला कि हम बदलाव ला रहे, बदलाव ला रहे, लोगों को अपने साथ जोड़ा। आज वो वर्कर मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहा, मैंने कम से कम 10 या 15 लोगों से बात की, वो एग्री हैं कि ये गलत हुआ है,
इसी को कहते हैं संवैधानिक ताकत और इसी को कहते हैं विधायक जी जमहूरियत। आपने जो मंथन किया था आपके लिए, लोगों ने आपको बिठाया प्रतिनिधि के तौर पर, आप एक राज्य के प्रतिनिधि हैं विधायक जी, यहां तक जिसने आपको पहुंचाया था, जो मंथन हुआ था, आपने उस मंथन की हत्या कर दी। कोई भी सैटेलाइट अगर भेजा जाए पृथ्वी से, वो बड़ी बात नहीं होती कि सैटेलाइट हमने भेज दिया, बड़ी बात होती है विधायक जी कि सैटेलाइट लैंड कैसे करे। आपने अपने हित के लिए, सिर्फ अपने दो चार जो बड़े मगरमच्छ हैं उन लोगों के हित के लिए, आपने लोगों की भावनाओं को, अपने कंडी की लोगों की भावनाओं के मंथन, उन्होंने जो मंथन किया था उसके साथ विधायक जी आपने आपने खिलवाड़ किया। आप विधायक जी कंडी के लोगों के जो बुनियादी अधिकार हैं उनसे उनको वंचित कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं। आप कंडी के तलवाड़ा की जो बेल्ट है, पहाड़ की जो बेल्ट है, उसका आप गरीबी प्रतिशत देखिए, वो बिहार की गरीबी प्रतिशत से भी ज्यादा है। और हिंदू धर्म को विधायक जी आप मानते हैं, हमें अच्छा लगा आपके हाथ में मौलियां देखकर, जहां आप गलत थे हमने वहां बोला, जहां आप सही थे हमने आपकी तारीफ भी की। कल ही आपने एक जत्थे को रवाना किया है, आप शोभा यात्रा में हिस्सा लेते हैं, तो विधायक जी आप जरा सोच लेते, अंदर तहसील कॉम्प्लेक्स के सामने जहां आपने साइकिल पार्किंग का नाम दिया है, जहां आपने जजिया कर लगाया है कंडी के लोगों के ऊपर, वहां पर पीर बाबा का मंदिर है, वहां पर शनिदेव का मंदिर है, वहां रामलीला होती है, उनके ऊपर आप टैक्स लगा दिया। हिंदू धर्म में अगर आस्था रखते हैं तो आप पुराणों को पढ़िए विधायक जी। पुराणों में एक कहा गया स्वाति नक्षत्र का पक्षी होता है, जो अपनी चोंच को खोल करके मुंह ऊपर करके वो अमृत की बूंद का इंतजार करता है कि ऊपर से पानी आए, अमृत आए और उसके मुंह में जाए। एक होता है गिद्ध, दोनों में बड़ा फर्क है। स्वाति नक्षत्र का पक्षी छोटा सा होता है, गिद्ध बहुत बड़ा होता है। स्वाति नक्षत्र का पक्षी अमृत की बूंद का इंतजार करते हुए अपने अपनी चोंच को खुला रखता है, लेकिन गिद्ध ऊपर आसमान में उड़ते हुए मरे हुए जानवरों, मरी हुई लाशों का इंतजार करता है, उनको देखता है। तो विधायक जी आपने ऊंचाइयां तो पा ली डेढ़ साल में, तलवाड़ा दसुआ के लोगों ने जो मंथन किया, आपके ऊपर भरोसा जताया, उस बेस पे आपने ऊंचाइयां तो पा ली, लेकिन गिद्ध वाली आपने कंडी के लोगों की भावनाओं को देखा, कहां से वो आत हो। आपने मरे हुए जो मुद्दे हैं उनको खुर्द बुर्द करने की कोशिश की। तो विधायक जी ये उम्मीद नहीं थी आपसे, और जो एक काम हो रहा है पर्ची देकर के पर्ची वापस लेना ये हेरा फेरी नहीं है तो और क्या है विधायक जी। तो ये काम जैसे आप आरोप लगाते थे पिछली बार सरकारों में एमएलए पर, ठीक है लगाना भी चाहिए, विपक्ष का होना भी जरूरी है, तो वही बात आप पर भी लागू होती है विधायक जी। ये बिना आपकी सहमति के ये नहीं हो रहा। और बाकी पिछली बार मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें जो मुद्दा था, मेन मुद्दा तो वो तो होगी, वीडियो सुन ली लोगों ने, लेकिन उसके बाद कुछ, नाम नहीं लूंगा मैं, कुछ ट्रैक्टरों के एजेंसियों के मालिक हैं, वो
प्रत्यक्ष तौर से इनडायरेक्टली आघात करना चाह रहे थे, तो उनको मेरा संदेश है कि अभी मैं चुप हूं, मैं बोला नहीं कुछ। तो कहीं ये ना हो कि फिर बाद में आपको हो कि हमारा चरित्र हनन हो गया। तो अपने अकेले बैठ करके उनसे, उनको मेरी यही हिदायत है, यही विनती है कि अकेले बैठ करके अपने पिछले कर्मों को याद करें और उन पर पश्चाताप करें, दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने के बजाय। अभी मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मत बोलना कि ये कर दिया वो कर दिया, चरित्र हनन हो जाएगा, कई दिन यहां से गायब रहोगे। और जो व्हाट्सएप पे जो एनालिसिस चलता है ना कि ये ऐसा है, दो चार लोग, तो उनमें से किसी एक आदमी को भी मैं कहना चाहूंगा कि बिना नाम लिए वो समझ जाएंगे कि खून पसीने की कमाई और खून की कमाई में बहुत फर्क होता है। तो अच्छा है आप अपनी लिमिट में रहें, बाकी मैं भी कमंडल लेके नहीं चलता, हाथ में कमंडल लेके मैं नहीं चलता, है ना। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, जहां पर सही था हमने विधायक की तारीफ भी की, जहां गलत थे हमने टोका भी। जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख रहे हैं उससे अच्छा है कि आप विरोध करो इस चीज का, किसी गरीब का भला होगा, किसी गरीब के 20 रुपए 50 रुपए बचेंगे। परना लेके एक आदमी गले में परना डाल के आता है, जेब में पैसे नहीं होते, अंदर लग गए जो लगी फीस फूस, अब पार्किंग देने के लिए पैसे नहीं है, क्या करेगा गरीब आदमी। 2 रुपए की फोटोस्टेट करानी है, उससे पहले 20 रुपए उनको पार्किंग का देना पड़ेगा। ये जजिया करी है, इसका विरोध करें अगर हो सके। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, ठीक है। अपना ख्याल रखें क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। बाकी कंडी की सम्मानित जनता को भी मैं कहना चाहूंगा कि हताश, निराशावादी, विध्वंसवादी लोगों की जो ये भीड़ अभी बदलाव लेकर के आई थी, ये बहुत खतरनाक होती है। ऐसे लोगों की भीड़ का प्रयोग नेपोलियन और हिटलर ने किया था, इनसे थोड़ा बच करके रहें, क्योंकि 2022 में जो आपने मंथन किया था, जो सपोर्ट दिया था इनको, वो आप ये समझ लो कि आपने अपनी जिंदगी को 2027 तक लीज पर दे दिया है। अब ये लीज 2027 में पूरी होगी, और गलत चीजों के आगे मत झुको, इतना भी मत झुको कि आपकी दस्तार नीचे गिर जाए। आज के लिए इतना ही, आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।